छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगातार तेज होती जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री के ढाई ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर जो है लगातार सरगर्मियां तेज हुई। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में उठापटक देखी गई है, कांग्रेस के विधायक दिल्ली में जाकर शक्ति प्रदर्शन किए, पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं आज जनता के सामने में है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये भी सस्पेंस बना हुआ है, क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का बदलाव होगा या नहीं होगा। आइए हम राजधानी की जनता से ही जानेंगे कि सीएम परिवर्तन को लेकर राजधानी की जनता क्या सोचती है और उनकी क्या राय है। देखिए, ऐसा है कि ढाई साल और ढाई साल का जो फार्मूला था ऐसा सुनने में आया, तो ढाई साल तो अपना भूपेश बघेल जी कर ही लिए हैं जो उनको करना था। अब चूंकि क्या है कि टीएस बाबा हैं एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, और एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं थोड़ा सा एजुकेटेड भी हैं, तो उनको एक मौका देना चाहिए। मौका देने से क्या होगा कि वो टॉप लीडर में आते हैं, पहले तो टॉप के ही लीडर हैं, तो उनके तरीके से कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए एक चांस उसको देना चाहिए। हम देख चुके हैं अभी तक के सीएम के काल में कि क्या काम किए हैं उन्हें और क्या कर रहे हैं, है ना। आम जनता तो जैसे है चुप है, मत अपना करते हैं, बैठे रहते हैं सीएम पे भरोसा करके कि सीएम अपने लिए कुछ करेंगे, कि ना देखो सीएम कुछ कर ही नहीं रहा है। जनता समझ भी रही है और जनता के डिमांड यही रहेगा कि सीएम बदलेगा। छत्तीसगढ़ को बने 21 साल हुए हैं और पिछले ढाई साल में जो परिवर्तन हमारे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है मुझको, उसमें जो किसानों की आवाज़ है, जो हमारे छत्तीसगढ़ अस्मिता के लिए जो वैचारिक युद्ध है, और जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र के रूप में जो भूपेश बघेल जी ने हमारी अपनी पहचान बनाई है, हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, खास करके यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोगों को ये विश्वास है कि उनके मुख्यमंत्री बने रहने से ही छत्तीसगढ़ का विकास, यहाँ के लोगों का विकास, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का विकास बना रहेगा। हम सभी ये चाहते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें। देखा जाए तो ढाई ढाई साल की अटकलें लग रही हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप भी एक यूथ वोटर हैं, बदलना चाहिए सीएम या नहीं बदलना चाहिए? एकदम बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सीएम बदलना, क्योंकि आखिर में 5 ईयर्स में भी इंसेंटिव लोगों को ढाई साल में ही मिलता है, तो फिर पहले ही ढाई साल में मिले तो उससे ज़्यादा ही प्रोग्रेस होगा। बहुत ज़रूरी है ढाई साल, ये ज़्यादा बेटर है। अभी तक सीएम भूपेश बघेल ने जो काम किए हैं उसके कामों से आप खुश हैं नहीं हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ किया ही नहीं है उसने। यहाँ पे मेरे दोस्त भी है, सबका समर्थन है यहाँ पे कि भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया है, चेंज होना चाहिए। अरे कोई काम नहीं कर रहा है ना, खाली खेत किसान को देख रहा है, बाकी आम जनता गरीब तो गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। शराबबंदी वो भी बंद करने के लिए बुरा था लेकिन बंद नहीं कर रहा है, तो बदलना चाहिए भैया। आपकी क्या राय है, सीएम बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए और क्यों? भैया देखो, सीएम तो बदलना चाहिए क्योंकि एज कंपेरिजन आप गाँव में देखोगे, गाँव के जितने भी लोग हैं आजकल सभी एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेरिजन टू आप सिटीज़ के जो आदमी लोग हैं उनसे, ठीक है। गांव वाले देखो फार्मिंग के लिए एकदम अभी थोड़े प्रो हो चुके हैं, ठीक है, वहाँ तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो सिटीज़ में जो डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। जैसे देखो आप क्लीन जो होती है, ठीक है, शहर में क्लीनलीनेस नहीं हो पा रही है, गाँव के लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन ये है कि जो सिटीज़ वाले हैं उन लोग को थोड़ा। अगर सीएम परिवर्तन होना चाहिए तो किसे आप देखना चाहेंगे अगला सीएम? मेरे हिसाब से तो टीएससी देव को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि जितनी अगर अभी तक अगर डेवलपमेंट होना रहता देन भूपेश बघेल जी तो कर ही लेते, अगर नहीं किए हैं तो आई थिंक टीएससी देव को ही मौका देना चाहिए। तो जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है, क्या लगना है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? मेरे हिसाब से बदलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी में बगावत को रोकना है, संभावित दल बदल को रोकना है, पार्टी को दो टुकड़े होने से बचाना है, तो जैसा वादा किया गया था मुख्यमंत्री चुनते समय उस वादे को निभाते हुए केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देते हुए टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री यहां का बनाना चाहिए। लेकिन पहले इस तरह की बातें निकलकर सामने नहीं आई थी, तो ढाई ढाई साल की चीज़ें तो अगर मुझे जहां तक मुझे याद है, मैं तो खैर मीडिया से मेरा उतना कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है जब मतगणना चल रही थी और जब पता लगा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तब लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार लोगों ने अपना अपना हक जताना शुरू किया था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। उस समय एक फार्मूले के तहत ये बात तय हुई थी कि ढाई ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, ढाई साल आदरणीय भूपेश बघेल जी और ढाई साल टीएस सिंहदेव जी रहेंगे। तो अगर कांग्रेस को अपने उस बात की याद है तो ये परिवर्तन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हमने राजधानी वासियों की राय जानी,
अलग अलग जो है चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। किसी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर अपना इशारा किया है, किसी ने टीएस सिंहदेव को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनने की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो अभी भी विधायक जो हैं दिल्ली में बरकरार हैं। आने वाले दिनों में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सस्पेंस बरकरार है, वहीं आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा कि वाकई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं या टीएस सिंहदेव गद्दी हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।